जय सत्यम सिद्धांत नमः गुरुजी। जय सत्यम सिद्धांत आशीर्वाद। गुरुजी, बॉलीवुड के शहंशाह बिग बी के नाम से मशहूर हैं अमिताभ बच्चन जी, उन्हें कोरोना पॉजिटिव टेस्ट हुआ तो उस टेस्ट में वो कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। तो जैसे कि बहुत सारे भक्तों के क्वेश्चन आ रहे थे कि अमिताभ बच्चन जी स्वस्थ हो जाएं और इस तरीके से बचे आए, वो उन पर कृपा हो कि गुरु जी इसके ऊपर प्रिडिक्शन करें। तो जैसा कि कल सुबह हम तीनों ने आपसे बात की थी तो आपने कहा था कि भाई मैं तो बता दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन तुम अपने ध्यान दर्शन में देखना, ध्यान करना क्या दिखता। तो हमने जब कल रात ध्यान किया था सुबह आपसे पूछने के बाद, वही क्रिया योग किया था, तो उसमें मुझे केवल ये दिखा कि अमिताभ बच्चन जी हैं वो किसी पार्क के आसपास घूमते नज़र आ रहे हैं और उनके हाथ में नीलम है और वो नीलम जिस बना हुआ है वो गोल्ड का है, उसमें डार्क वाला नीलम है उनका और वो पहले हल्का सा छोटा हुआ और वो फिर टूट के बिखर गया। तुम्हारा क्या? गुरु जी मेरे को दिखाई दिया था, इसी में से हम ध्यान करके उठा था, मैं मेरे को ध्यान में दिखाई दिया था कि जैसे हम रेही के करते रहते हैं तो मेरे को दिखाई दिया था जैसे वो दीपक है तो दीपक में जो लौ होती है वो लौ पड़ी, फिर मेरे को दिखाई दिया कि ऐसे अमिताभ बच्चन उठे हैं और उन्होंने अपना जो अपना हाथ है वो अपनी जनता में ऐसे लाया जो उनके फैंस होते हैं, बस गुरु जी फिर मेरी आँख खुल गई। अच्छा, तो उसमें क्या लौ थर थर आ रही बुझी, क्या हुआ? पड़ी फिर थोड़ी थर थर आने लगी, इस तरीके दिखाई दिया। तुम्हारा? गुरु जी मैंने भी ध्यान किया था लेकिन मुझे अमिताभ बच्चन तो दिखाई नहीं दिए, तो फिर मैंने क्या देखा कि ऐश्वर्या बच्चन है और जो उनके हस्बैंड है अभिषेक बच्चन वो दोनों साथ खड़े हुए हैं और उनके साइड में से ज्वाला से मतलब वो थोड़े ऐसे लाल लाल टाइप के हो रहे हैं, जैसे उनमें ज्वालित हो रहे हैं वो, ये सब दिखाई। देखो इसका सीधा सा अर्थ है कि नीलम मतलब अमिताभ बच्चन का चीज चल रही है, 11 अक्टूबर का उनका जन्मदिन है और वैसे भी जो है देखिए और शुक्र की महादशा चल रही है, अगर ज्योतिष का भी आंकड़ा रखें ध्यान का तो विषय विषय ही अलग हो जाता, वो तो अंतर्दृष्टि का विषय है, उसी से हम बताते हैं ज़्यादातर। तो उसमें नीलम का दिखना भाग का है, भाग का दिखना भ्रमण करना, ये नीली ये घास पर मतलब उसमें हरी घास पर भ्रमण करना, तो ये भ्रमण करना है एक प्रकार का शुभ मतलब आप स्वस्थ हैं, और लेकिन नीलम का अर्थ टूटना उसका जो नीलम का है आकाश व्यापी होना, भाग का प्रतीक है तो उसका खिन्न होना टूटना एक तरीके से आगामी समय संकटपूर्ण होने वाला है ये विषय, और गिर के मतलब वो गिर जाए बिखर के तो उसका मतलब है कि इन्हें सीधा सा है अगर उसमें देखें तो इन्हें अपना जो नीलम अगर इन्होंने कोई पुराना पहन रखा है और उसे बार बार उतारते पहनते रहते हैं तो ऐसा ना करके या तो लगातार उसे पहने रहें, सीधी सी बात है। और कई बार क्या होता है भाई डॉक्टर के जाते हैं उतारना पड़ जाता है, सिचुएशन ऐसी हो जाती है, तो उसमें भी वैसे तो मैं ये कहूँगा कि इन्हें अपना नीलम और जो भी पन्ना वगैरह इन्होंने पहन रखा जो चित्र में आता है उसमें जो देखा गया है तो उसके अनुसार इन्हें वो उतार देना चाहिए, शुक्र की दशा चल रही है इनके परमादशा तो उसके अनुसार कोई और रतन इन्हें धारण करना चाहिए। नीलम भी 5 प्रकार के होते हैं, स्वास्थ्य के लिए धन धान, पारिवारिक प्रेम मोहब्बत, राजनीति और संतान। अब इन्हें कौन सा देखना है, इस समय तो एक ही चलती है तो फेम तो है ही सब चीज़ों को लेके, लेकिन साथ में स्वास्थ्य को लेके, अब स्वास्थ्य बार बार जिस आदमी का गड़बड़ हो तो इन्हें ये चेक कराना पड़ेगा अपना नीलम कि वो स्वास्थ्य से संबंधित है और या फिर वो जो है फेम से है या धन धान्य से है, राजनीति से है, स्वास्थ्य किस चीज़ से, तो इसको बदल दें पहली बात। और मेरी तो ये है कि उतार के कोई और रतन का ये और रतन को धारण करें। और तुम्हारा जिस प्रकार इन्हें दिखाई दिया कि भाई ज्योति है तो ज्योति जीवन का प्रतीक है, जीवन ऊर्जा का प्रतीक है, तो जीवन ऊर्जा दिखाई दे रही है और प्रकाशित है तो उसका मतलब है कि व्यक्ति का फेम तो है ही सारी चीज़ों को लेकर, और लपलपा रही है तो ये भी एक प्रकार का, जिस कहते हैं ना कि भाई जब दीपक बुझने वाला होता है तो दीपक बुझते समय बहुत तेज प्रकाश करता है और फिर उसके बाद सिमटता है बुझ जाता है, तो ये भी संकेत बहुत अच्छे नहीं है। इसका मतलब ये है कि भविष्य में ये अब तो स्वस्थ हो जाएंगे, स्वस्थ होने के बाद में फिर भी ऐसा ही किसी कारणवश या किसी भी संक्रमण रोग से पीड़ित होकर और पुनः इन्हें बहुत जीवन को खतरा संभव है। संभव क्या, बिल्कुल यह चीज़ है क्योंकि अंतर्दृष्टि के विषय बहुत आसान होते हैं, क्योंकि जो उसमें जो ये एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी और इनके अनुसार तो प्रिडिक्शंस एक तरीके से अनुमानित होती है, और अंतर्दृष्टि का विषय बिल्कुल साक्षात दो विषय होते हैं, एक तो अनुमान होता है इसमें भी जैसे ये सब दिखना, और दूसरा होता है बिल्कुल डायरेक्ट दिखना। तो इसमें काफ़ी हद तक डायरेक्ट होने के कारण ये विषय है कि ये पुनः भी भर्ती होंगे। और तुम्हारा जो विषय है उसमें अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्य राय बच्चन इनमें अग्निता प्रधानता होनी, तो ये वैसे मंगली हैं, इनका पीछे वैसे भी विवाद का कारण रहा था कि विवाहों को लेकर बड़ा वो रहा था कि भाई मंगल दोष है तो उसका जाके काशी वगैरह और भी जगह इन्होंने दोषों का निवारण करा। तो इस समय क्या है, जो मंगल है वो त्वचा रोग, ये संक्रमण रोग और आपका खासकर ब्लड से संबंधित और बुखार,
बुखार का प्रतीक होता है सीधा सा, तो नेचुरल है कहीं ना कहीं बुखार अंदर है या पनप रहा है, क्योंकि तेज का प्रतीक नहीं है क्या ये तेज हो, तेज का प्रतीक सूर्य होता है, तो मंगल में ये है कि उग्रता का प्रतीक है, अंदर कहीं ना कहीं कोई परेशानी चल रही है, और वो चाहे पारिवारिक हो और चाहे वो तुम्हारा स्वास्थ्य संबंधित हो, वर्तमान में जो कारण है वो तो स्वास्थ्य संबंधित है, तो स्वास्थ्य का आंकड़ा आ रहा, तो ये सब मिला के तो भाई एक प्रकार से ये स्वस्थ जरूर हो जाएंगे, लेकिन भविष्य का जो स्तर है इनका वो थोड़ा सा नकारात्मक सिद्ध होने वाला है। और इसमें जैसे तुम्हारा देखा और भी थोड़े से विषय, तो और भी अभी अभिनेता या अभिनेत्री इस रोग से संक्रमित होंगे, और उनमें से संभव है कोई, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, तो उनमें से संभव है किसी ना किसी और व्यक्ति की आने वाले समय में एक या दो बंदों की मृत्यु संभावना है। अब मृत्यु में संभावना तो क्या होती है, तो लेकिन हम ज्योतिषीय भाषा में या वैसे सीधी प्रिडिक्शन ना करके ये कहेंगे कि ऐसा ना हो, आशीर्वाद करते हैं सबको कि भाई ये भी स्वस्थ हों और आगे भी समाज स्वस्थ रहे, प्रतिभावान लोग बने रहें और समाज में भी कल्याण का जो है इनका संदेश जाता रहे, अच्छा सब बना रहे। जय सत्यम सिद्धाय नमः। जय सत्यम सिद्धाय नमः।